स्टूडेंट क्लास 10th का DOE का मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे हम। इसका हमने सेक्शन ए कर लिया था, जिसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसका 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड रेडियस 3.5 है, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करनी थी, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी थीटा दिया है, रेडियस दी है, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे, आर आपको 3.5 दिया है, 60/360, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/3, यानी 3.66 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द वॉल्यूम एंड द सर्फेस एरिया ऑफ द स्फेयर आर न्यूमेरिकल इक्वल, रेडियस निकालनी है आपको स्फेयर की। तो कंडीशन दी है वॉल्यूम स्फेयर का सर्फेस एरिया ऑफ स्फेयर के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3πr³ और 4πr² का सर्फेस एरिया। अब यहाँ 4 से 4, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ बचेगा, आर बाई थ्री यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा है, आर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द मीडियन एंड मॉड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, और मीन निकालना है। तो देखो जब भी मीन मीडियन मॉड एक साथ होते हैं तो एक फॉर्मूला लगता है, यानी इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी। 3 median - 2 mean करोगे तो मॉड आएगा। अब आपको मीन और मॉड दिया है ना, तो आप मॉड को यहाँ ले आओ, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, 3 median - मॉड को इधर ले आए और मीन को यहाँ ले गए, 2 mean। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू रखेंगे, मॉड की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर ये 2 यहाँ जो मीन के साथ है ये डिवाइड आ जाएगा, तो ये सॉल्व करके आपका आएगा 24.5, तो ये मीन आ जाएगा आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कार्ड्स पेयरिंग नंबर 2, 3, 4 से लेकर 11 तक के नंबर के कार्ड है, और एक कार्ड निकाला बैग से, प्रॉबलिटी निकालनी है कार्ड प्राइम नंबर हो। तो देखो पहले तो 2 से लेकर 11 तक नंबर के कार्ड है, यानी टोटल कार्ड कितने हैं, तो अगर टोटल कार्ड मालूम करने हैं तो आप क्या करेंगे, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे और फिर जो भी आएगा +1 करेंगे, तो ये आपको नंबर का नंबर मिल जाएंगे। बाई चांस इस क्वेश्चन में बिटवीन बोलते 2 से 11 के बिटवीन, तो फिर हम +1 नहीं करते, -1 करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स मालूम करने हैं तो इसमें से इसको माइनस करो, फिर जो आएगा उसमें 1+ करना, बिटवीन होगा तो 1- करना, तो ये 10 आ जाएगा। अब प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो प्राइम नंबर होंगे 2, 2 के बाद 3, 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है प्राइम, 7 जो अपने टेबल में आएगा, उसके बाद 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11। तो कितने प्राइम नंबर आए, 5, तो 5 ऊपर और टोटल नंबर कितने थे, 10, तो हाफ आ जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, जिसका आंसर है हमारा हाँ ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 and α आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है और वैल्यू ऑफ अल्फा निकालनी है, तो ये पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है आपको, 1 और α, तो पॉलिनोमियल को पहले आप कंपेयर कर लीजिए पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c। अब यहाँ x² के साथ a है, तो यहाँ कितना है 1, तो a 1 आ जाएगा, b आ जाएगा -5 और सी आ जाएगा कांस्टेंट 4। अब आपको क्या दिया था, 0 दिया था, तो 0 आप अगर पता है आपको तो आप प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको पता होना चाहिए, c/a होता है, तो 0 क्या है, 1 और α, उनका प्रोडक्ट c/a, तो 1 × α α हो जाएगा, और c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 1 है इस पॉलीनोमियल की, तो अल्फा कितना आ जाएगा 4। या फिर आप सम ऑफ ज़ीरो से भी निकाल सकते थे, अगर आप सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला लगाते तो सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, -b/a है ना, तो सम ऑफ ज़ीरो क्या हो जाता है, जीरोस का सम 1+α, 1 और 0, 1 और α 0 है ना, तो उनका सम कर दो, और -b कितना है इसमें, -5 अपॉन a कितना है 1, अब 1+α कितना हो जाएगा, -±+5, और अल्फ़ा निकालोगे तो 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी अल्फ़ा कितना आ जाएगा 4, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इन सब की वैल्यू तो टेबल वाइज याद है ना, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की होती है हाफ, कॉस 45 की होती है 1/√2 और कॉस 60 की होती है √3/2। ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको टेबल से। तो अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 1 1 1 ऊपर तो √3 आ गया और नीचे 2 2 4 और √2। नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से नहीं, अंदर नहीं होगा रूट के। तो यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और √2 को एज इट इज़ लिख दो। अब जब भी नीचे रूट होता है तो रेशलाइज करते हैं, तो इसका रूट हटाने के लिए रेशलाइज करेंगे √2 से ऊपर नीचे। तो ये तो देखो रूट रूट से अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √6 आ जाएगा। और 4 तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता अंदर, बट √2 √2 मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो √6/8 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीज हो गई 8 से 12 सेंटीमीटर और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आपको निकालना है इस बलून का। तो बलून कैसा है, स्फेरिकल है, तो सरफेस एरिया का रेशियो लगाना है। तो देखो आपको रेडियस बोली, पहले 8 थी, अब कितनी होगी 12। तो सरफेस एरिया बलून का पहले वाला और सेकंड वाला, तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4π r² अब यहाँ पे r1 लेनी है और दूसरी जगह पे r2 लेनी है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 और r2 की वैल्यू रख दो, 8 और 12 थी ना। अब यहाँ पे 8/12 को अंदर कैंसिल कर सकते हो आप, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 या 4 3 का, उस पर स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 इनके सरफेस एरिया का रेशो आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ फिश टैंक हैज 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल फिश हो। तो मेल फिश के नंबर कितने हैं, 5। तो मेल फिश के जो नंबर है वो ऊपर रखेंगे और टोटल जो फिश है उसके नंबर नीचे रखते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसका नंबर ऊपर, टोटल नीचे, तो यह आ जाएगा 5/13। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे है एजर्शन रीज़न, तो इसका एजर्शन रीज़न देख लेते हैं। तो इसके 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है हमने वो प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, तो उसके सोल्यूशन आपको वहाँ से डिटेल में चेक कर लेना। तो ये उनके हमने सॉल्यूशंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसके प्रीवियस पार्ट में कर रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो एजर्शन पढ़ते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ ए बुक 10 रुपीज़, तो पर्सन 10 लेस बुक्स खरीदेगा अगर 1200 रुपीज़ में खरीदनी है। तो यस, अगर हम मान लो 1200 रुपीज़ की बुक्स हमने पहले जितनी भी खरीदी हो, बट अगर हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, जितने भी अगर प्राइस इंक्रीज़ करते ना किसी भी चीज़ का, तो हम नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे ना, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया और हमारे पास प्राइस तो फिक्स था ना, हमारे पास मनी तो फिक्स है। तो अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ जाए तो हम उसमें कम नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदते हैं, तो बुक्स कम हो जाएंगी ना अगर प्राइस बढ़ गया, तो थोड़ा लेस बुक्स खरीदेंगे इतने रुपए में। तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है, बट ये तो ट्रू है कि हमें ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी किसी चीज़ की तो उसके नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी नंबर कम हो जाते हैं। तो यहाँ तो एजर्शन तो करेक्ट है, एजर्शन ट्रू है। तो आपको एजर्शन रीज़न में दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़नी होती है और ट्रू फॉल्स चेक करना होता है, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर ए बी में मिलेगा, और अगर इनमें से एक भी ट्रू फॉल्स होगी तो आंसर सी या डी ऑप्शन होता है। तो रीज़न वाली स्टेटमेंट कहती है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस मोर नंबर ऑफ बुक कैन बी परचेज फॉर अ गिवन अमाउंट, यानी गिवन अमाउंट मतलब अमाउंट तो फिक्स है, तो उसी अमाउंट में अगर हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो क्या हम ज़्यादा नंबर ऑफ बुक खरीद पाएंगे, तो गलत लिखा है। अभी तो अगर प्राइस बढ़ता है तो नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगी, कम खरीदेंगे ना, क्योंकि अमाउंट तो हमारे पास फिक्स है। तो ये फॉल्स है रीज़न। तो जब भी एक फॉल्स होगा तो आंसर सी डी में देखो कहाँ पे, एजर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है, यानी सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एजर्शन गिवन है इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है, तो क्या वो सिमिलर भी होंगे। यस, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि ये देखो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में ना शेप और साइज़ दोनों सेम इक्वल होते हैं, शेप भी एक जैसी होती है और साइज़ भी एक जैसे होते हैं। तो अगर शेप और साइज़ सेम है तो इसका मतलब वो सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में सिर्फ शेप सेम होती है, तो
कॉन्ग्रेंट सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो इन्होंने तो यही बोला कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर है, यस ट्रू है ये। फिर उन्होंने बोला ऑल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सिमिलर है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं है, यस ये अभी मैंने आपको बताया, ये भी ठीक है। तो एजर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। जब दोनों ठीक है तो रीज़न को देखेंगे, क्या ये रीज़न इसको एक्सप्लेन करता है एजर्शन को। तो एजर्शन बोला था कॉन्ग्रेंट है सिमिलर होंगे, हाँ ये बता रहा है कि कॉन्ग्रेंट सिमिलर है लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो ये रीज़न भी इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो जब एक्सप्लेन भी करे तो आंसर ए होता है। जब दोनों ट्रू हो तो ए बी में से चूज़ करना होता है, और अगर रीज़न भी इसको करेक्ट करे एक्सप्लेन करे तो आंसर ए होता है। तो ए आया इसका आंसर, इसका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। सी बी एस ई बोर्ड के लिए जो DOE सैम्पल पेपर और CBSE सैम्पल पेपर बहुत यूज़फुल है, तो इसको आपको अच्छी तरह से कर लेना है, चैनल में आपको ये मिल जाएंगे।